हेलो मेरे बच्चों बच्चों इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या बाय पार्ट्स का जो पिछले वीडियो में किया था। तो चलिए करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो पहले सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, आई मान लीजिए, ठीक है। तो इसको जब हमने आई मान लिया और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको बताइए, ये ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट लिखेंगे आप पहले फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर d ओवर dx ऑफ फर्स्ट, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं cos x, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का e की पावर x, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x dx ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, d ओवर dx ऑफ फर्स्ट इसका ये आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का क्या आ गया, e की पावर x dx। अब क्या होगा, यहाँ आई रहेगा, यह आएगा साइन एक्स, और यहाँ e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ दोबारा से ये फंस गया, फंस गया का मतलब जैसा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है वैसा का वैसा हो गया। अगर ये दोबारा से फंस जाए बोर्ड में भी तो करते चलो, जब तक नहीं आ रहा तब तक करते चलो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम दोबारा लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ ये दोबारा से फर्स्ट और क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट है सेकंड है, और फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको बंद कर देते हैं वैसे। तो क्या आएगा, फर्स्ट इसी फॉर्मूले में यूज करेंगे, यहाँ पर दोबारा लगाएंगे फर्स्ट, क्या आएगा आपका cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, या डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही होगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन यही वाला आएगा, और d ओवर dx ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, भाई d ओवर dx ऑफ फर्स्ट होता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और फिर क्या आएगा भाई यहां dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स आ गया, अब यार इस माइनस का इंटू करते हैं इस पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, और फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को आप बाहर लगाओगे तो प्लस, और क्योंकि ये माइनस पूरे ब्रैकेट में तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई। अब देखो यार, अगर आप इस चीज को देखोगे तो शायद ये इससे मैच खा रही है, साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, हाँ है ना। तो क्या हम इस चीज को, क्या इसको हमने आई बोला था, तो इसको हम आई बोल सकते हैं ना, तो इस पूरे चीज को क्या लिख लो आप, आई लिख सकते हो ना इसकी जगह आई, तो ये कुछ ऐसे ही आ गया, आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स और माइनस आई, समझ गए। अब इस माइनस आई को जब आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई, और आपको आई तो फाइंड करना था साइन एक्स, और क्या हो जाएगा e की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स e की पावर एक्स अपॉन टू। तो कहीं ना कहीं लॉजिक बड़ा मस्त है ना इसका, कि ये अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं हुआ और फिर भी आंसर आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। अगर इससे थोड़े चौंक गए तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर लास्ट में दोबारा जैसे आई आ जाए तो आपको इस तरफ ले जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से चीजें ज्यादा अच्छी के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं जो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, तो उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए जो भी रिवीजन वीडियोस में मैं करा रहा हूँ उनमें से बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस कि जो बोर्ड पे मैं आज लिख रहा हूँ वही आपके पेपर में आएगा, तो यार चाहे जितना हो सके उतना ज्यादा केयरफुली देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, आई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो यहाँ साफ साफ देख रहा है ये फर्स्ट है क्योंकि इनवर्स है, और ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रिक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट लिख दो, लिख दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, में डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करना है, ये डी एक्स था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू ही आएगा, आप खुद से चेक करते जाओ, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जिसको नहीं याद है वो इधर देख ले क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, साइन इनवर्स एक्स और इंटू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये वाला माइनस। अब ये देखो पहले तो इस टू को बाहर लाओ, तो ये टू बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन अब क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब एक काम करना इस माइनस जो कॉमन माइनस है इसको अंदर लेके जाओ, तो इधर प्लस आएगा और इधर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या नहीं अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ तो बेटा यहाँ के बाद समझना जरा, देखो यहाँ पर ये हमने माइनस एक्स स्क्वायर करा, इसके बाद हमें ऊपर करना है प्लस वन और माइनस वन,
मतलब आपको यहाँ पर ऐड करना है 1 + 1 और -1, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि ऐसा इंटीग्रेशन तभी होगा जब आप यहाँ पर +1 और -1 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही होगा x² sin inverse x/2, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, और +1/2। अब इसे देखना यार, इसको वन वाले को इस चीज़ को हम अलग कर दे रहे हैं, तो ये 1 - x² / √1 - x² लिख सकते हो, और फिर यहाँ -1 के साथ √1 - x² लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये क्या है, पावर 1 है और ये कितना रूट है, इसी चीज़ का रूट है, तो इसको रूट से काट के ऐसा बन जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये नीचे वाला हटा देते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे 2/√2, तो ऊपर √2 रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। तो देखो यार, इसका इंटीग्रेशन यही करते हैं, डायरेक्ट इसका होगा और इसका होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ इसे आप 1² मान लो, ठीक है ना। तो 1² - x² का एक फॉर्मूला है, जो वैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे इसके जस्ट वाली में, लेकिन यहाँ पर यूज़ करना है तो हम बता देते हैं यहीं पर ही। इंपॉर्टेंट है यार ये भी, a² - x² अगर ऊपर हो, ठीक है ना, कहाँ पर है जो ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है, ऊपर है जो, तो जब ऊपर होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है x/√a² - x² + a² / 2 sin inverse x/a, ओके। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ लगाना है, क्योंकि a यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 और x तो x है ही है, तो आंसर क्या आएगा, x² sin inverse x/2 + 1/2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में लगाते हैं x/2, ठीक है, और फिर √a² - 1 - x², ठीक है, 1² 1 ही हो गया, प्लस आगे देखो इधर a² = 1² 1/2 ही हो जाएगा, और फिर sin inverse x/a x/1, तो यहाँ x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका भी तो करना है, इस पूरे का ही तो करना है, इसका तो हो गया इरा। अब इसका कैसे होगा, इसका अब देखो यार, पहले मैंने सिखाया था ऐसा एक फॉर्मूला कि 1√a² - x² का क्या होता है, sin inverse x/a + c, है ना। तो इसका होता है sin inverse x/a, तो यहाँ x क्या है आपका, यहाँ x, यहाँ a² - x² है ना, तो a आपका 1 है, तो यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं sin inverse x, क्योंकि sin inverse x/1 ही हो जाएगा। यहाँ से भी सीख सकते हो यार, sin inverse x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ओके। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो ½ sin inverse x में से माइनस करोगे तो लॉग पूरा कर देता हूँ, x² sin inverse x/2 + 1/2 का इंटू करेंगे तो x/4 √1 - x², और इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखो आधे में से एक माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा माइनस का, समझ गए यार, वन आधे में से एक जाता है तो, और इसका इंटू इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, -1/4 sin inverse x + c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लो यार, इस तरीके के क्वेश्चन तो आप समझ गए, ऐसा एक और क्वेश्चन है NCERT में, वो जरूर करना, इसके बगल वाला ही है 7th या 8th। और अगर ऐसे क्वेश्चन और आ जाए, देखो sin inverse x² आ जाए, इंटीग्रेशन करना हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, ट्रिक यूज़ करते हैं कि वन को ले लेंगे फर्स्ट और इसको ले लेंगे सेकेंड, मतलब जहाँ कुछ नहीं दे रखा हो तो उस केस में आपको क्या करना है, एक वन को भी ले लेना है, और वन को क्या मान लेना है आपको, एल्जेब्रिक, और इसको दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसे ही एक और यार, जैसे tan इनवर्स एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, 1 ले लोगे और tan इनवर्स एक्स ले लोगे, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन ट्राई करना, ईजी है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।